सो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए, आज होने वाला है FNDT 60X वर्सेस सीमैक्स DT580 डुअल टावर स्पीकर के बीच में बैटल ग्राउंड। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। सो मैं दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानना होगा तो जरूर से आप दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोज को देख लीजिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको इन दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल परचेस करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में गुप्ता रेडियोज का फोन नंबर एंड एड्रेस मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है यार, सीमैक्स का ये वाला टावर स्पीकर बहुत पावरफुल है। दोस्तों, इस पर हमें 10 इंच के बेस ड्राइवर मिल जाते हैं, तो देखते हैं यार दोस्तों कि FNDT 60X को ये हरा पाता है या नहीं पाता है। सो वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी के बारे में डिटेल पे पता लग पाएगा। एंड अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों, अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। So, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने सेम फोन से अपने दोनों सिस्टम को कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। दोस्तों, मैं ये चीज आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि रिजल्ट बिल्कुल फेयर रहे। Round 3.
राउंड 4। तो दोस्तों कैसे लगी आपको दोनों टावर स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा बेस्ट है। सो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको कौन सा बेस्ट लगा। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको दोनों मॉडल्स पर बताना चाहता हूँ, हमारा FND T60X हमें 10,000 से 12,000 तक की रेंज में मिलता है। एंड अगर हम बात करें दोस्तों CMX DT 580 की, तो दोस्तों इसका प्राइस ओनली 8,500 रुपीज़ है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो दोस्तों यार आपको समझ में आ गया होगा कि यार मैं किसके बारे में बोलना चाह रहा हूं। दोस्तों CMX DT 580 का जो साउंड आउटपुट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से यार काफ़ी तगड़ा हमें मिल जाता है। एंड वो चीज़ यार आपको वीडियो में पता लग गई होगी अगर आपने हेडफोन्स के साथ वीडियो को देखा होगा डिटेल पे। दोस्तों साउंड क्वालिटी मतलब बड़ी कमाल की हमें मिल जाती है, साथ में हमें 10 इंच के CMX पे बेस ड्राइवर मिल जाते हैं, जो कि यार इसके बेस को और ज़्यादा पावरफुल थंपिंग इफेक्ट देते हैं। एंड साथ में लाउडनेस भी हमें बहुत ही कमाल की इस पे मिल जाती है। अगर दोस्तों हम T60X की बात करें, वैसे तो आप सबको पता है T60X भी काफ़ी तगड़ा टावर स्पीकर है, आज की डेट में भी वो काफ़ी बेस्ट है। बट अगर हम प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो यार CMX DT 580 काफ़ी बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। दोस्तों आप अगर CMX DT 580 को भी परचेस करेंगे तो आपको काफ़ी तगड़ा साउंड आउटपुट मिल जाएगा। एंड अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो तभी भी आप CMX DT 580 को परचेस कर सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर हम बात करें दोस्तों दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी की, तो दोस्तों दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी सिमिलर है। मतलब लाउडनेस में हमें CMX DT 580 थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा है। अगर हम बात करें बेस क्वालिटी की, तो दोस्तों यार बेस क्वालिटी दोनों मॉडल्स की काफ़ी तगड़ी है, थंपिंग इफेक्ट के साथ हमें बेस क्वालिटी दोनों टावर स्पीकर्स पर मिलती है। बट अगर हम लाउडनेस के साथ बेस क्वालिटी देखें तो यार उसमें हमें CMX DT 580 की स्लाइटली बेटर मिल जाती है। एंड क्लियरिटी वोकल्स में तो दोनों का मतलब जो परफॉर्मेंस है वो इक्वली हमें लग रहा था। सो आप मुझे बताइएगा दोस्तों आपको दोनों मॉडल्स में से किसकी ज़्यादा बेटर साउंड क्वालिटी लगी है। सो यार आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना है तो ज़रूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।